हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडवारा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माइसेल्फ शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। दूसरा महत्वपूर्ण शासनकाल अकबर का अगर देखा जाए तो 1560 से 1562 ईस्वी तक रहा। इन दो सालों में अकबर के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव उसकी धाई मां माहम अनगा का था। उसके इस शासनकाल को इतिहास में पेटीकोट सरकार के रूप में जाना जाता है, मतलब पर्दा प्रथा शासन। शासन तो अकबर करता था लेकिन उसके पीछे महिलाओं के द्वारा शासन था, जो कि एक पर्दे में रहकर के शासन करती थी, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसकी धाईवां महामनगा का था। आइए बात विस्तार से करते हैं। 1560 से 1562 तक अकबर अपनी धाईवां महामनगा के प्रभाव में रहा। इतिहास में इस काल को पर्दा शासन अथवा पेटीकोट शासन के रूप में जाना जाता है। इस दौरान महामनगा का शासन संचालन से प्रभाव काफी बढ़ गया था। अकबर ने 1562 ईस्वी में इस दल से छुटकारा पाने के लिए उलूक खां को एक अच्छे पद पर नियुक्त किया, जिससे नाराज महामनगा ने और उसके पुत्र अधम खां ने विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप अकबर ने अधम खां की हत्या कर दी। 40 दिनों के पश्चात पुत्र शोक में महामनगा की भी मृत्यु हो गई। अब अकबर एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और यहां से अकबर के विजय अभियान की शुरुआत।